मतलब एक गल हो रही कि अज नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हैं सीएम रेसीडेंस के बाहर जो गैस टीचर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने नाल मिलकर वो भी बैठ के उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कहते गरंटी देंगे अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन इतने 7 साल हो गए इन्हों गैस टीचर अपनी लड़ाई लड़ते हुए हजे इन्हों का कोई कुछ नहीं बनया। गैस टीचर जो दिल्ली के ने उन्होंने तनखाह 6,000 रुपए सी शीला दीक्षित जी वे जो आम आदमी पार्टी सरकार आई 36,000 रुपये उन्होंने तनखाह करती जी। तो 5 अक्तूबर 2017 उन्होंने परमानेंट कर विधानसभा के बिल भी लिया, बिल पास हो गया पर एल जी ने रिजैक्ट करता। पंजाब के गरंटी दें क्योंकि पंजाब के एल जी वाले अड़चना नहीं पैणगियां, पंजाब फुल स्टेट है, जो फैसला हो गया विधानसभा चो फैसला हो गया। सो इस करके उत्थे कुछ कांग्रसियों लैके बैठे ने, उस बहुते तो टीचर है नहीं। सो नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने उत्थे उन्हां नाल धरना दे रहे ने कोई। सो वधिया गल है, मैं तो कहना एजुकेशन मुद्दा बनना चाहिए, बनाओ। इतों पहले तो कोई मुद्दा नहीं बनाता सी इन्हां नूं। तो यह भी एलीगेशन ला रहे कि लेडीज़ नूं 1,000 रुपए की गल की जा रही है पंजाब के लोग, दिल्ली में कितने देते 1,000 रुपए लेडीज़ नूं कितने दे। देखो जी असी जो करते हैं कैलकुलेशन वो मुताबिक असी वादे वो ही करते हैं जिहड़े असी पूरे कर सकते हो जी। ठीक है जी, इन्होंने कहा सीगा सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, प्राइवेट भी तो करता। इन्होंने कहा सी घर घर नौकरी दे देंगे, देती। इन्हें कहा सी स्मार्टफोन देवे, देते। इन्होंने कहा सी 5-5 मरलों के प्लाट कितने ने। इन्हें कहा सी 2,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन। इन्हें कहा सी 51,000 रुपया शगन स्कीम, 129 पन्नों का इन्हों का मैनीफेस्टो से। तो हूँ की कर रहे हैं, हूँ कोशिश की कर रहे हैं, ये 72 दिन का रिपोर्ट कट दे रहे हैं। जनाब हिसाब 4.5 साल का होगा, हिसाब कल 72 दिन का नहीं होगा। क्या लो जी 72 दिन मेरे देख लो तो हूँ मैं वोटा 5 साल वास्ते पा दो, ये किमें होगा जी? 4.5 साल के हिसाब होणगे जी, किन्ने टीचर कुटे ने, किन्ना तुसी माफिया लुट के लै गया, किन्ना रेता, किन्ना केबल, किन्ना ट्रांसपोर्ट। सो इस करके ये ना कहो कि तुसी ड्राइवर बदल के कह दोगे कि ये बस हुण ठीक होगी। मैं पहला भी कहा जदों अली बाबा 40 चोर सरकार सी, अली बाबा बदल लिया, बाकी 40 उही ने, वो तो नाल बहिंदे ने सारे कैबिनेट च ने सारे, वह जिन्हां बारे आप कहिंदे रहे ने, सिद्धू साहब भी कहिंदे रहे ने कि इन्हें कैप्टन साहब ने कहा सीगा कि मेरे कुछ MLA मेरे मंत्री जिहड़े ने माफिया दे नाल हैगे ने मिले हुए। सो इस करके ये नहीं हैगा कि ना कैप्टन साहब पा सकते हैं कि जी मैनू होर मिल जाते 3 महीने तो मैं पता नहीं की काया पलट कर दिंदा। सो इन्हां ने जो करना सी करता, इन्हां ने जो पंजाब दा डैमेज करना सी करता। हुण इह बसां ते फोटो ला के, हुण इह पोस्टर छपा के नहीं कुछ कर सकते, कल्ले ऐलान कर रहे ने, ऐलाना नाल नहीं कम होना, अमल करना पऊगा। वो है नहीं टाइम, है नहीं हूँ। मान साहब कांग्रेसी कहते अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री ने जिन्हों अपने सूबे की यानी दिल्ली की समस्यावान विकतिया नहीं है, अपने सूबे के टीचर धरना कर रहे हैं, अपनी जी एयर पोल्यूशन है लगातार बढ़ रही है, अपने कोविड के केसिस का की हिसाब है, और दूजे सूबे के जोड़े हालात ने उन्हों का बार बार वेरवा लैके उन्होंने समस्यावान हल करने लिए दूजे सूबे तुरे रेंगे ने, जबकि उन्होंने पहला दिल्ली सुधारण की कोशिश करनी चाहिए है, उस तो बाद दूजे सूबे की तरफ नजर आ। कौन कहना जी? कांग्रसियों ने कह, कांग्रसियों ने दस दौ कि तीजी बार मुख्यमंत्री ने 2015 to 2020 to 2025 तक लोगों ने 90% तो ज़्यादा बहुमत दे के जिताया है। तो कांग्रेसियों नूं कृपा करके मेरे वालों दस दिओ, शायद वो भुल गए हुण कि दिल्ली दे विच ओह 2 बार पिछले लगातार 2 टर्मां तो वो 0 आ रहे हैं, 0। सो उन्हां नूं ये बोलण दा कोई हक नहीं कि असीं दिल्ली जाके ठीक करांगे जां दिल्ली तो कोई इत्थे आके सानूं गालां कढे, कोई फर्क नहीं। तो मैं कहना हरीश रावत जी राजस्थान जाके सारे मसले हल कर रहे हैं, राजस्थान के सारे मसले हल हो गए, वो इत्थे बैठे ने। सो इस करके सानू हक है कि असी पंजाब जाके गल कर सकते हैं पंजाब के मसलों की। तो कोई केजरीवाल तो कोई बैन थोड़ी लग्या, कोई तड़ी पार थोड़ी है वो कि तुसी उन्हूं इस सूबे आन ही नहीं देना। असल च डर है, केजरीवाल का डर है। तुसी पिछले 20 दिनों तो किसी भी कांग्रसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भाषण उस सुखबीर का ना ही है नहीं, उस केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भगवंत मान, केजरीवाल, बस होर कुछ ही नहीं। और असी एजुकेशन की गरंटी लै रहे हैं, असी हैल्थ की गरंटी लै रहे हैं, असी करके दिखाया होया जाता है उन्हें, असी कोई हवा च छड़ रहे हैं जी कि असी गुजरात वांगू झूठा मॉडल नहीं दिखा रहे। दिल्ली किन्नी दूर है, 250 किलोमीटर, तुम जाके देखो कैमरे तुहाडे कोल हैगे ने। तो फिर स्कूल क्यों बंद करते जो प्रगट सिंह ने चैलेंज किया, मनीष सिसोदिया कहना चल मैं स्कूल देख आना, वो बंद क्यों करते स्कूल? और बाहरों रंग करके थोड़ी स्मार्ट होणगे स्कूल, अंदरों की मिल रहा है स्कूल के
जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं की एजुकेशन मिल रही है, वो की सीख के आ रहे ने, इहदे नाल स्मार्ट हो। क्या बात है, मतलब क्योंकि की उत्थे पुलिस लेके गए सी, किहड़े ढंग नाल कीता जी, कोई बच्चा कुटिया सी जां जाके कन्न फड़ा ले असी बच्चियां दे, किहड़े मैं मैनू मैनू पंजाब के स्कूल जाण दा हक नहीं, मैं जाऊँगा किहड़े ढंग नाल, मतलब जायजा लिया है, मीडिया नाल चला गया कि गल लुकाउंदे ने, कोई गुप्त चीज़ है ये, तो नाले तो कहने साडे साडी एजुकेशन नंबर वन ते आ गई, तो दिखा तो दिओ फिर कित्थे आ गई। पहला दी गल करदे सी, पहला दी, हुण तो कदे पहला दी गल चलदी होनी, मैं उहदे विच मैनू मेरे नाल कोई इदां दा कोई गल नहीं कीती जां कोई इहो जिहा कुछ भी उहनां दी कोई डिमांड जां कोई होर, तो बाकी नवजोत सिद्धू नू पुछ लो जी, वो की मंगते सी, उन्हां नाल गल करो, हुण तां अज्जकल तां प्रैस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, हुण तां गल्लां दा जवाब भी देण लग गए, तो तुसीं उन्हां नू पुछ लो भी की मंगते सी, वो दस देणगे। थलो लोचन भाई मान साहब, अमित शाह कह रहे हैं पिछले कल कि उन्हां दी गलबात चली है बीजेपी की कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखदेव सिंह ढींडसा होरां दे नाल अलायंस वास्ते इलैक्शन दे लई जी, हक है हरेक नू अलायंस करन दा, पर मैं तुहानूं दस दिंदा कि उन्हां कोल आपदे कोल कुछ नहीं हैगा, इस करके वह इधर उधर हाथ पैर मारते फिरते हैं, पर बीजेपी जी है जिस वे उन्हों का अलायंस हों, उस वे भी उन्होंने दो एम एल ए तीन एम एल ए होंगे, हूँ तेई बई तेई तो दो तीन तो आ गए, सो इस करके इस बार वो भी नहीं होना को। सो अमित शाह जी पहला दिल्ली के कहते असी आ चक कर देंगे वो कर देंगे, दिल्ली के भी उन्होंने छे तो सत्त सीटा आईया ने, और पिछली बार तीन सी एतकी सत्त ने, कांग्रेस का है नहीं, सो लोगों पर जी पब्लिक जी है वो सब जानती है कौन किन्ने पानी च है, कौन हवा च छड़दा है, कौन धरती ते खड़ा है, कौन साडियां गल्लां सुणदा है, कौन साडे चुल्ल्यां दी अग बारे जानदा है, सो इह तां पब्लिक दस्सूगी।